औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने फैसला किया है कि आपके सामने इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि साल 2022 के लिए है और ऑनवर्ड्स जो और के ईयर भी है उनके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे 100 एमसीक्यूज़। जबकि 100 एमसीक्यूज़ के दो पार्ट हमने बनाए हैं। पार्ट वन जो है इस वीडियो में हम बताएंगे जिसमें 50 एमसीक्यूज़ होंगे, और पार्ट टू जिसमें 50 एमसीक्यूज़ और होंगे उसमें वो अगली वीडियो में हम अपलोड करेंगे। ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिहाज से, और फिजिक्स में ये सौ जो मैं आपको 50 एमसीक्यूज आज बताऊंगा और 50 उसके बाद बताऊंगा, ये सब एमसीक्यूज होंगे। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 30 तक आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज नंबर वन। एमसीक्यूज नंबर वन है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नंबर टू है द डायमेंशन ऑफ पावर आर। पावर की डायमेंशन मालूम करनी है, तो पावर जैसे कि आपको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो इसके जरिए आप डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन है ML स्क्वायर T माइनस 3। नंबर थर्ड है द पिन होल कैमरा वॉज इन्वेंटेड बाय इब्नुल हेशम। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 5.642 एंड 4.71 इज द प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट नंबर एस। तो आप इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये भी आता है, उसको आप राउंड ऑफ करते करते आखिरकार यहाँ तक राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट फिगर है और 26.6 है। नंबर फाइव है इफ टू फोर्सेज ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट ऑन अ पॉइंट एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन द रिजल्टेंट विल बी। तो आप क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 इंटू 25, और 25 का अगर अंडर रूट निकाले तो उसका आंसर आ जाता है 5। नंबर 6 है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता भी है कि जैसे आई हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, तो इनके दरमियान जो एंगल होता है वो बराबर होता है 90 डिग्री के। एमसीक्यूज नंबर 7 है इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 1 एंड वाई कंपोनेंट इज 0, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। करेक्ट ऑप्शन है 1। नंबर 8 है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज 0 न्यूटन। नंबर 9 है के डॉट आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू, करेक्ट आंसर है 1, ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। नंबर 11 है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ऑन मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। नंबर 12 है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी। नंबर 13 है अ स्टैटिक स्टोन वेटनिंग 1 kg फॉलिंग फ्रीलो फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 meters स्ट्राइक द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ। फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जैसे कि 2gh वाला जो vf square minus vi का स्क्वायर है। तो vf आपको मालूम करना है 2 × 9.8 × 10, तो आपके पास 196 आ जाएगा, और 196 आपको vf चाहिए सिर्फ, तो स्क्वायर के लिए आप इसके ऊपर अंडर रूट डाल दें तो vf स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 196 का जो अंडर रूट है वो है 14, तो 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नंबर 14 है अ बॉडी फॉलिंग डाउन थ्रू अ प्लेट एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शनल फोर्स विच इज गिवन बाय, जो स्टोक्स लॉ है वो यही कहता है कि बॉडी अगर फ्लूइड के अंदर गुजर रही है तो उसके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, तो स्टोक्स लॉ बयान करता है। नंबर 15 है अ हेलीकॉप्टर 3900 न्यूटन इज मूविंग अप विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 4 meters per second, द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर। तो फोर्स हेलीकॉप्टर जो हो गए वही कॉन्स्टेंट ही होगी क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए उसकी चेंजेस नहीं आएगी। 3900 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 16 है व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन आर रिलेटेड टू। आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो इसलिए करेक्ट आंसर है काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 17 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, करेक्ट ऑप्शन है बी यानी ऑफ फोर्स। द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इन SI इज, लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट है वो है न्यूटन सेकंड। नंबर 19 है इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड इलास्टिकली विद डिफरेंट वेलोसिटीज देन, ऑफ करेक्ट ऑप्शन है दे एक्सचेंज दियर वेलोसिटीज। नंबर 20 है द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विल बी। एक्सेलरेशन जैसे कि आप इंक्लाइन प्लेन जब निकालते हैं तो उसमें फॉर्मूला रहता है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। जी क्या होता है 9.8 और साइन 30 0.5 के बराबर होता है, तो 9.8 तो 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 4.9 करेक्ट आंसर आता है, तो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नंबर 21 है द फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन इज इक्वल टू, करेक्ट ऑप्शन है एम जी कॉस थीटा। द एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट मासेस ऑन इंक्लाइन ऑन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन इज सेम। द मोशन ऑन अ कर्व्ड पाथ व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट एंड द अदर इज वेरिएबल इज कॉल्ड प्रोजेक्शन मोशन। नंबर 24 है इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल इट्स रेंज विल बी, करेक्ट आंसर इसका है इंक्रीज 4 times। नंबर 25 है इफ टू स्टोन्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड बट एन एंगल ऑफ 35 एंड 45 रिस्पेक्टिवली हैव दियर रेंज R1 एंड R2, तो करेक्ट आंसर है R1 बराबर होगा R2 के। नंबर 26 है अ प्रोजेक्टाइल विल कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर 70 एंड 20 यानी 90 के बराबर हो जाएंगे।
नंबर 27 है, अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद इंक्रीजिंग स्पीड पसेस. करेक्ट आंसर इसका है, करेक्ट आंसर इसका है बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. नंबर 28 है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड द सेंट्रिपिटल फोर्स. द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री. अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम डज नॉट पसेस एनी टाइप ऑफ. करेक्ट ऑप्शन इसका है एक्सेलरेशन. 31 है, दिस फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन. करेक्ट ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी. द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कैन मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. नंबर 33 है, द सम ऑफ टोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन दिस विल बी कॉन्स्टेंट. एंगुलर मोमेंटम विल बी कॉन्स्टेंट. नंबर 34 है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 720 जूल सेकंड इन 4 सेकंड. द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग विल बी. यानी 720 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास करेक्ट आंसर आता है 180 नैनोमीटर न्यूटन मीटर. नंबर 35 है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ. करेक्ट ऑप्शन है नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0. नंबर 36 है, इफ द मास ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू कीपिंग द साइज कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम. करेक्ट आंसर इसका है 1/2. नंबर 37 है, इफ अ मैन गोज अप टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस हिज वेट रिलेटिव टू द अर्थ वुड बी. करेक्ट आंसर है 1/4. नंबर 38 है, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. जैसे आपको पता भी है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनके मैन प्रोडक्ट है. नंबर 39 है, जी एट अर्थ एंड जी एट प्लेनेट आर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड अर्थ एंड प्लेनेट रिस्पेक्टिवली इफ द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट आर ट्वाइस देन डेट ऑफ मार्स देन ट्वाइस डेट ऑफ द अर्थ देन. करेक्ट ऑप्शन इसका है प्लेनेट की जो ग्रेविटी है वो बराबर हो जाएगी हाफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के. नंबर 40 है, द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज लेसर देन एक्चुअल वेट. नंबर 41 है, एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 10 न्यूटन व्हाट विल बी द स्प्रिंग बैलेंस इफ रीड एन एलिवेटर डिसेंडिंग एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो 10 ही न्यूटन होगा. अब 42 की तरफ है, When a lift moves upward with a uniform acceleration a, the apparent value of g inside the lift changes to. Correct option है a, g plus a. Number 43 है, if the speed of moving body is half, its kinetic energy becomes 4 times. यानी no 1/4 बन जाती है. यानी जैसे को पता भी है कि kinetic energy का जो formula है वो किस बराबर होता है half mv square के. अगर ये half हो जाता है तो मतलब kinetic energy जो है वो 1/4 यानी इसके 4 टुकड़ों में टूट जाती है. नंबर 44 है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 किलो जूल. नंबर 45 है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी मास लाइंग एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय. तो करेक्ट इसका आंसर है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई. नंबर 46 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वर्क. वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. नंबर 47 है, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज नेसेसरी देन दैट. तो करेक्ट आंसर इसका है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है. नंबर 48 है, द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 2 मिली सेकेंड व्हाट विल बी इट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मालूम करने का वही सिंपल फॉर्मूला होता है कि एफ 1/T. तो 1 को अगर आप टी से डिवाइड करें, टी क्या है 2 मिली सेकेंड, 2 एक्सपोनेंट -3, तो आपके पास करेक्ट आंसर आता है 0.5 किलो हर्ट्ज. करेक्ट आंसर है 0.5 किलो हर्ट्ज. नंबर 49 है, इफ द मास ऑफ द बोग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल इट्स टाइम पीरियड विल बी. तो सिंपल पेंडुलम जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए अगर मास को डबल किया जाए तो उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगी, तो इसलिए रिमेंस कॉन्स्टेंट रहता है. नंबर 50 है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज. तो इसका करेक्ट आंसर है एम जी कॉस थीटा. ये थे 50 MCQs. बाकी के 50 MCQs भी यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे. तो आज के लिए बस यही, और इस MCQs की आप खास तौर पर तैयारी करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है. और जो बाकी 50 MCQs है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल तक उसकी वीडियो भी अपलोड करें. तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और MCQs समझ आ गए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें. अल्लाह हाफिज़.